आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। MD जैन इंटर कॉलेज में बनाई गई अस्थाई जेल में निरुद्ध बंदियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। अस्थाई जेल में निरुद्ध 19 बंदियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया गया। MD जैन इंटर कॉलेज में बनाई गई अस्थाई जेल में निरुद्ध बंदियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। अस्थाई जेल में निरुद्ध 19 बंदियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिला कारागार में शिफ्ट कर दिया गया है। अस्थाई जेल में कार्यवाहक डिप्टी जेलर कृपाल सिंह का कहना है कि जेल में 4 महिला समेत 65 बंदी निरुद्ध हैं। अस्थाई जेल से 19 बंदियों के सैंपल गए थे, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको जिला कारागार आगरा स्थानांतरित किया जाएगा जल्दी। कितने बंदी हैं इसमें वर्तमान में? आज के दिनांक में सर 65 बंदी निरुद्ध हैं, जिनमें से 4 महिला हैं, 61 पुरुष हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए हर बंदी की थर्मल स्क्रीनिंग और कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। अब तक अस्थाई जेल में करीब 90 बंदियों का कोरोना टेस्ट हो चुका है। स्क्रीनिंग सभी की करवाई जा रही, सारे बंदियों की, सारे स्टाफ की, PSC स्टाफ की, होमगार्ड की, सभी लोग स्क्रीनिंग करवाई जा रही है। सर समय समय पर सैनिटाइज हो रही है जेल और हैंड सैनिटाइजर वगैरह है, सभी लोगों के पास मास्क है, सबको बांटते भी हैं, हम समय समय पर मास्क भी चेंज करवाते हैं और साबुन वगैरह सब कुछ उपलब्ध है। अस्थाई जेल में निरुद्ध बंदी और स्टाफ के करीब 80 लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। जांच में किसी भी बंदी और स्टाफ में किसी भी तरह के कोई लक्षण नहीं पाए गए। जेल में आ रहे बंदियों की 14 दिन बाद सैंपलिंग कराई जा रही है, जिससे कोरोना वायरस के बारे में पता चल सके। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा।